बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल क्लास वन स्मार्ट मैथमेटिक्स यूनिट सिक्स फ्रैक्शन पेज 75। आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या हैं? अ फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल। इट इज लेस देन वन होल बट मोर देन जीरो। फ्रैक्शन क्या है? वो किसी होल चीज का एक पार्ट होता है जो कि उस होल चीज से कम होता है लेकिन जीरो से ज्यादा होता है। दिस इज वन होल एप्पल। ये एक पूरा एप्पल है। द एप्पल हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर हम एप्पल को बीच में से काट दें तो ये दो इक्वल पार्ट्स या बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ये इस होल एप्पल के पार्ट्स या हिस्से हैं। एवरी फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स। हर फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, अ टॉप नंबर एंड अ बॉटम नंबर। फ्रैक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, 1/2। एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। द टॉप नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द बॉटम नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। बॉटम नंबर और द डिनोमिनेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। डिनोमिनेटर क्या होता है? इस होल एप्पल को हम जितने हिस्सों में तकसीम करेंगे वो टोटल हिस्से डिनोमिनेटर होगा। यानी इधर हमने एप्पल को दो हिस्सों में तकसीम किया है तो डिनोमिनेटर टू होगा, और अगर हम इस एप्पल का एक हिस्सा लेंगे तो न्यूमरेटर वन होगा। सो वन पार्ट बाय टोटल पार्ट्स। अब वन पार्ट क्या है? वन, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? टू। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/2। ईच पार्ट ऑफ द एप्पल इज वन हाफ ऑफ द होल एप्पल। टू हाफ्स मेक वन होल। वन पार्ट ऑफ द एप्पल इज 1/2 विच मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स। होल एप्पल को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें तो उसके दो पार्ट बनते हैं और दोनों पार्ट मिलकर वन होल एप्पल बनाते हैं। टोटल पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और अगर हम एप्पल का एक हिस्सा लें तो हम इस फ्रैक्शन को 1/2 लिखेंगे। पेज 76। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। फोल्ड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन। एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लें और उसको बीच में से फोल्ड कर लें, इस तरह से फोल्ड कर लें। अनफोल्ड इट एंड शेड वन ऑफ द पार्ट्स। अब उस पेपर को अनफोल्ड करें और वन पार्ट को शेड करें। वन आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। 1/2 ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। अब पेज के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2। सो डिनोमिनेटर 2 होगा, और कितने पार्ट्स शेडेड हैं? ओनली 1। सो न्यूमरेटर 1 होगा। सो हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 1/2, यानी 1/2 ऑफ द होल पेपर इज शेडेड। टोटल पार्ट्स 2, शेडेड पार्ट 1। टोटल पार्ट्स इज डिनोमिनेटर, नीचे लिखेंगे 2 और शेडेड पार्ट ऊपर लिखेंगे। सो 1/2 इज द फ्रैक्शन। गेट अनदर स्क्वेयर पीस ऑफ पेपर। फोल्ड इट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन। अब एक और स्क्वेयर पीस ऑफ पेपर लें और उसको पहले इस तरह फोल्ड करें और फिर एक बार फिर फोल्ड करें। सो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अनफोल्ड इट एंड शेड वन ऑफ द पार्ट्स। अब आपने पेपर को दो बार फोल्ड किया है सो उसके 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। अब एक पार्ट को शेड करें।
सो टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, सो वो डिनोमिनेटर होगा। और 4 में से हमने एक पार्ट को शेड किया है, सो वो न्यूमरेटर होगा। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। 1 out of 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड, 1 out of 4 इक्वल पार्ट्स इज शेडेड, सो 1/4 ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड, सो 1/4 ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, वो डिनोमिनेटर, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, सो वो न्यूमरेटर। सो और फ्रैक्शन इज 1/4, या 1/4 ऑफ द पेपर इज शेडेड। वी रीड 1/4 एज 1/4, 1/4 को हम 1/4 भी कहते हैं। अब 1/2 फ्रॉम हेयर एंड 1/4 फ्रॉम हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब 1/2 और 1/4 क्या हैं, फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं। पेज 77, क्वेश्चन नंबर 1, कलर 1/2 ऑफ ईच पिक्चर। अब 1/2 का क्या मतलब है कि टोटल पार्ट्स 2 हैं, 1, 2, और हमें एक पार्ट शेड करना है। सो टोटल पार्ट्स 2 हैं और हमें एक पार्ट शेड करना है, सो हम इस पार्ट को शेड कर लेंगे। सो 1/2 इज शेडेड, टोटल पार्ट्स 2 एंड 1 इज शेडेड। इस फिगर में भी टोटल पार्ट्स 2 हैं, सो हम एक पार्ट को शेड करेंगे, सो 1/2 ऑफ द पिक्चर इज शेडेड। सेम वे हम हाफ पिक्चर को शेड करेंगे, सो 1 part of 2 इज शेडेड, सो 1/2 ऑफ द पिक्चर इज शेडेड। इस पिक्चर के भी 2 पार्ट्स हैं और हमें 1/2 शेड करना है, सो टोटल पार्ट्स 2 हैं और 1/2 शेड करना है, सो हम एक पार्ट को शेड करेंगे, सो हम इस पार्ट को शेड कर देंगे, सो 1/2 इज शेडेड। सेम वे इन दिस पिक्चर 1/2 ऑफ द टोटल पिक्चर इज शेडेड एंड 1/2 ऑफ द टोटल पिक्चर इज शेडेड। टोटल पार्ट्स 1, 2, शेडेड पार्ट 1, सो 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, विच पिक्चर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन में कौन सा पिक्चर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द बटरफ्लाई इज डिवाइडेड इंटू 1, 2 इक्वल पार्ट्स, द डोनट इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंड द कुकी इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। Thank you kids for watching. See you again soon with another video. Please like, share and subscribe.